हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आसान टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जानना ज़रूरी है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो इसके बारे में अगर हम स्टडी करें तो ह्यूमंस के केस में तो सबको पता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम और भी केसेस में होते हैं, और जेनेटिकली लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे हम डिटरमाइन करते हैं कि वेदर जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। दो टाइप में हम सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं, मतलब दो तरीके से हो सकता है। एक होता है नॉन जेनेटिकली, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो सेक्स है वो जीन्स पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो नॉन जेनेटिक है। और होता है जेनेटिकली, ठीक है। तो दो टाइप से हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन जेनेटिकली टाइप से सेक्स डिटर्मिनेशन किन में होता है। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे टर्टल्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, एलिगेटर्स हो गए, इनके अंदर नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। कैसे होता है और क्या होता है इसके बारे में हम देखें। इन्वायरमेंटल क्यूज, ये इन्वायरमेंटल क्यूज बोलने का क्या मतलब है? अब यहाँ पे जीन्स तो इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले चीज़ की नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीन फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ये डिटरमाइन करने में कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसमें जीन का जब कोई भी काम नहीं होता है उसको हम नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्यूज मैंने लिखा है, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, इनके अंदर नॉन जेनेटिक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। कैसे? इन्वायरमेंटल क्यूज बोलने का जो मतलब है उसमें यह है कि जो एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग जो निकला, फर्टिलाइज हो चुका है, मेल फीमेल गैमेट मिल चुके हैं, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जाइगोट बन चुका है, अब उसमें एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो किस टेम्परेचर पे रखा गया है, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो किस टेम्परेचर पे इनक्यूबेट हो रहा है, इससे डिटरमाइन किया जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसमें कैसे इन्वायरमेंटल क्यूज का मतलब, तो इनक्यूबेशन टेम्परेचर जो है वो होता है डिसाइडिंग फैक्टर। इनक्यूबेशन टेम्परेचर जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। इसका एक और अगर हम एग्जांपल लें, ये तो इन्वायरमेंटल क्यूज हो गया। स्नेल्स की बात करें हम, स्नेल्स वैसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है। तो जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे मौजूद हैं तो फिर कैसे डिटरमाइन होगा? जेनेटिक की बात करेंगे तो हम तो यहाँ पे एग्जांपल में ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमंस में मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। तो फिर यहाँ पे स्नेल्स के अंदर जब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जा रहे हैं, तो फिर कैसे डिटर्मिनेशन होगा? यहाँ पे डिपेंड करता है कि स्नेल कौन से कैरेक्टर शो कर रहा है उस समय, मेल कैरेक्टर शो कर रहा है या फीमेल कैरेक्टर शो कर रहा है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन से कैरेक्टर्स ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, इस पे डिपेंड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। सो हर्माफ्रोडाइट मतलब दोस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हु हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन देयर बॉडी, ओके। सो यहाँ पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, इस कारण से
ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन से कैरेक्टर ज़्यादा शो कर रहा है, उस पर निर्भर करेगा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो नॉन जेनेटिक काइंड तो समझ में आया, नॉन जेनेटिक काइंड जहाँ पे जीन का कोई योगदान नहीं है, अभी तक जीन की कोई बात नहीं की गई है, कोई क्रोमोसोम की बात नहीं की गई है। अब यहाँ पे हम आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि जेनेटिकली होता है। एग्जांपल लेते हैं हम ह्यूमंस का, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें मेल और बात करें यहाँ पे फीमेल की, ठीक है, मेल भी है और फीमेल भी। क्रोमोसोम के बारे में पता है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम यहाँ पे हमारे पास 23 पेयर्स मौजूद हैं, दैट मीन्स हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सबकी एक एक कॉपी मौजूद होती है, तो टोटल 23 पेयर्स हो गए, ठीक है, 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। जो 22 पेयर्स होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोसोम, 22 पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम। और जो 23rd पेयर होता है, 23वां पेयर होता है, एक पेयर जो लास्ट पेयर होता है वो होता है, 23rd पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, आपको ऑलरेडी पता है 23rd पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम, और यही 23rd पेयर जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब इसको हम देखें क्या है 23rd पेयर, 23rd पेयर मेल फीमेल के केस में क्या होता है। मेल के केस की बात करें तो यहाँ पे 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे तो ये तो आप लोगों को पता है कि जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वहाँ पे क्या है, मेल के केस में XY है, फीमेल के केस में XX है, ठीक है। मेल के केस में XY है मतलब यहाँ मिसमैच क्रोमोसोम है, फीमेल के केस में XX है मतलब ये मैच्ड क्रोमोसोम है, होमोलोगस है, ठीक है, ये होमोलोगस नहीं है आपस में। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के समय हम पढ़ते हैं बार बार, ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर लिया था कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, कैसे ओजेनेसिस होता है। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक, और जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो एक स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एक स्पर्म हैप्लॉइड होता है, हाँ, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर होते हैं। तो एक स्पर्म जो होगा वो या तो एक्स होगा या वाई होगा, ठीक है, जो स्पर्म होगा वो हैप्लॉइड होगा, तो या तो वो एक्स होगा या फिर वाई होगा। फीमेल की बात करें ओवा, तो वो तो एक्स ही प्रोड्यूस करेगी, दोनों एक्स हैं तो वो एक्स ही प्रोड्यूस होगा, जितने भी ओवा होंगे वो सब एक्स होंगे, तो यहाँ एक्स जितने निकलेंगे सब एक्स निकलेंगे, पर यहाँ स्पर्म जो निकलेंगे वो एक्स भी हो सकते हैं वाई भी हो सकते हैं, ये दोनों क्या है, स्पर्म है, ये क्या है, एग है, ठीक है। अब यहाँ पे होना है फ्यूज़ कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। जो फर्टिलाइजेशन होता है आप सबको पता है कि जब स्पर्म जो है वो एंटर करता है फीमेल में, तो स्पर्म बहुत सारे एंटर करते हैं, ओवा वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओवा जब वहाँ पे प्रेजेंट है तो स्पर्म जब मूव करते हैं तो डिपेंड करता है वो जो ओवा वहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, एग जो मौजूद है उसके पास कौन सा स्पर्म जाके पहले फ्यूज़ होता है। अगर फ्यूज़ होने वाला स्पर्म एक्स है, ये ऑलरेडी एक्स है, अगर फ्यूज़ होने वाला स्पर्म एक्स है तो रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म गर्ल चाइल्ड होगी। अगर ओवा मौजूद है, स्पर्म आया और रिजल्टिंग स्पर्म जो है वो वाई है,
तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा, बॉय होगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेल और फीमेल क्रोमोसोम आपको पता ही है कि यहाँ पे एक्स वाई होता है, यहाँ पे एक्स एक्स होता है। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है मेल पे, लड़का होगा या लड़की होगी ये चीज़ मेल पे डिपेंड करती है, फीमेल पे डिपेंड नहीं करती। सिर्फ फीमेल की बात करें तो वहाँ पे लड़की ही होगी, वहाँ पे फिर लड़के होने का कोई चांस नहीं है। जब नॉन फर्टिलाइज्ड एग अगर कोई निकले, अनफर्टिलाइज्ड एग अगर निकले फीमेल में से, तो वहाँ पे क्या होगा, फीमेल ही प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे मैं ह्यूमंस के बारे में बोल रहा हूँ, अलग केसेस हैं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ इफ़ ह्यूमन में नॉन फर्टिलाइज्ड एग निकले और वो प्रोडक्शन हो उसका, वो अगर चाइल्ड बने तो वो फीमेल ही बनेगी, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, इफ़ अगर ऐसा केस हुआ तो। बट फ्यूज़न जब होता है तो मेल से अगर एक्स क्रोमोसोम फीमेल से अटैच हुआ तो एक्स एक्स मिलके फीमेल बनाएंगे, मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स से अटैच हुआ तो एक्स वाई मिलके मेल बनाएंगे। और ये होता है जनरल सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट। आसान सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। सो यहाँ पे जो एक्चुअल पूरा इसको बोले ना कि एक्चुअल जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, वो ये है कि मेल का अगर हम स्पर्म की बात करें तो एक बार में बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक स्पर्म जाता है, बहुत सारे स्पर्म अंदर जाते हैं। तो उस समय उन स्पर्म में से कौन सा स्पर्म जाके ओवा से फ्यूज़ होगा, एक ही स्पर्म फ्यूज होगा। मैंने पहले बताया था कि जो ओवा होता है वो कई सारे लेयर से घिरा हुआ होता है, बहुत सारे लेयर से घिरा हुआ होता है। जोना पेलुसिडा नाम की एक मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है जिससे जाके स्पर्म फ्यूज़ करता है। जैसे ही स्पर्म विटिलाइन मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करता है वो डीजेनरेट हो जाती है, इस कारण से आने वाला कोई भी स्पर्म उससे फ्यूज़ नहीं कर सकता। तो एक बार में भले ही कितने स्पर्म जाए, बाकी सारे स्पर्म डीजेनरेट हो जाएंगे, एक ही स्पर्म जाके फ्यूज़ करेगा ओवा से और कोई भी स्पर्म फ्यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो भी स्पर्म जाएगा पहले पहुंच पाएगा वो जाके फ्यूज़ कर जाएगा, जो लेयर है विटिलाइन मेम्ब्रेन वो ब्रेक हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और उसके बाद कोई भी जो नेक्स्ट स्पर्म आने वाला है वो फ्यूज़ नहीं कर पाएगा। फर्टिलाइजेशन उसी स्पर्म की ओवा के साथ होगी, अब भले ही वो स्पर्म एक्स हो या वो वाई हो, अगर एक्स हुआ तो गर्ल होगी, अगर वाई हुआ तो बॉय होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। नॉन जेनेटिक टाइप में आप याद रखना, कुछ केसेस में एनवायरमेंटल फैक्टर ज़िम्मेदार होते हैं, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो किस तरह का टेम्परेचर होगा, इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या होगा, इस पर डिपेंड करता है कि मेल होगा या फीमेल। कुछ केसेस में जहाँ पे ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल पे पाया जाता है, वहाँ पे डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल में उस समय फर्टिलाइजेशन के समय कौन से कैरेक्टर ज़्यादा एक्टिवेटेड है, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है कि मेल होगा या फिर फीमेल होगी। ओके, सो सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक इतना ही था, छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू वेरी मच।